भिलाई के प्रतिष्ठित अस्पताल बीएम शाह ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बार एक बुजुर्ग मरीज जो लकवा से पीड़ित हो गया था, उसे अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने नया जीवन दिया है। लकवा जैसी बीमारी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, क्योंकि यह नाम सुनते ही अपाहिज होने का एहसास होने लगता है। परंतु अब इस बीमारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहर के प्रतिष्ठित बीएम शाह अस्पताल में इस बीमारी से निजात पाने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। लकवा बीमारी में फिजियोथेरेपी का काफी महत्व है और बीएम शाह में फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन न्यूरो यूनिट का निर्माण आधुनिक यंत्रों के साथ किया गया है, जिसका फायदा हाल फिलहाल में एक लकवे के मरीज को प्राप्त हुआ है। यह मरीज जब बीएम शाह अस्पताल पहुंचा तो इसके एक तरफ का अंग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सरल शर्मा एवं अन्य डॉक्टरों ने मिलकर अस्पताल में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों से इलाज किया और कुछ ही दिनों में यह बुजुर्ग मरीज अपने पैरों पर चलने फिरने लगा। बीएम शाह अस्पताल के इस फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिससे यह पूरे जिले का सर्व सुविधायुक्त फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन न्यूरो सेंटर बन गया है। लकवा ग्रसित मरीज के उपचार की पूर्ण जानकारी डॉक्टर सरल शर्मा एवं डॉक्टर सूरज के ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। आनंद कुमार पांडे जी, उम्र 60 वर्ष, लगभग 61 वर्ष। उनको 9 दिसंबर 2021 में ये प्रॉब्लम हुई थी। उनको ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई। एमआरआई से पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज है, वो भी ब्रेन के सबसे नाजुक हिस्से में, जिसे बेसल गेंग्लिया कहते हैं। उन्हें बेसल गेंग्लिया ब्लीड की तकलीफ हुई थी, जिसके कारण उनका जो राइट साइड था वो शून्य पड़ गया था, जिसको लकवा बोलते हैं, राइट हेमिप्लेजिया बोलते हैं उसे। तो उस तकलीफ के साथ वो यहाँ बड़े हुए हैं। सबसे पहले उनकी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ, उनकी सर्जरी हुई है ब्रेन की। बाद में न्यूरो फिजिशियन उनको टेक ओवर किए और फिर न्यूरो सर्जरी के तुरंत बाद उनका फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ, उनका प्रोटोकॉल शुरू किया गया। प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग चेंज होते हैं। आईसीयू का प्रोटोकॉल अलग होता है, जब वो शिफ्ट होते हैं वार्ड में उस समय का प्रोटोकॉल चेंज होता है, और जब उनको ओपीडी रिहैब के लिए यहाँ पे लेके आया गया था उनके लकवे को ठीक करने के लिए, तो वहाँ उनका अलग प्रोटोकॉल बनाया गया। सर, जो ट्रीटमेंट दिया गया है, अगर ट्रीटमेंट की हम पूछे तो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट किस तरह का था और कितने दिनों का समय लगा उनको ठीक होने में, और आज उनकी क्या स्थिति है? अनएक्सपेक्टेबल था उनका जो रिकवरी था, वो बहुत शानदार तरीके से हुआ। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम एकदम बेसिक बनाए थे, जो एक फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए होता है। उनका जो हाथ और पैर था वो फ्लैसिड था, लकवे का शिथिलपन जिसे बोलते हैं। सबसे बेसिक ट्रीटमेंट उनका PNF से शुरू किया गया, मसल स्टिमुलेशन दिया गया जो ICU से ही शुरू हो गया था, और वेट बियरिंग करवाया गया, और हर एक इम्प्रूवमेंट के साथ हर एक प्रोटोकॉल चेंज होता गया, एक नई एक्सरसाइज उसमें ऐड होती गई। तो PNF और मसल स्टिमुलेशन और वेट बियरिंग से हमने शुरुआत की और वो इंडिपेंडेंट होते तक चली, और उनका जो रिकवरी था वो फैबुलस था। 15 दिन में उनकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। उनका कुछ वीडियो क्लिप्स भी होंगे जब वो फर्स्ट डे रहे हैं उनमें, उनका कैसा था हाथ और पैर का मूवमेंट, लगभग 0 MMT उनका जो था वो 0 था, एक साइड का, मतलब हाथ और पैर बिल्कुल चल नहीं रहा था। 15 दिन में उनका हाथ और पैर लगभग 4 ग्रेड आ गया, मतलब वो खुद से उठाना, खुद से थोड़ा सा वेट बियर करना, चीज़ों को उठाना, लेके जाना, चलना फिरना, ये चालू कर दिए थे। और अगले जो 10 दिन था
तो 10 दिन में उनके हाथ के लिए, हथेलियों के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, हैंड रिहेबिलिटेशन जिसको बोलते हैं वो किया गया। फ्री में वो लिखे, हाथ से लिखाई किए और सारी चीज़ें, स्टेयर क्लाइंबिंग जो होता है, सीढ़ी चढ़ना, वो सारी चीज़ें की और 25 दिन में, पूरे 25 दिन में उनको यहाँ से रिलीज कर दिया। सर, जैसे हर डॉक्टर एक चीज़ चाहता है कि वो जिस मरीज़ का इलाज कर रहा हो उसकी तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए, तो मरीज़ का किस तरह से सपोर्ट था, वो क्या बिल्कुल मानसिक तौर पे आपको कोऑपरेट कर रहा था? रिलीज़ होने के 2 हफ्ते के बाद वो यहाँ पे आया फिजियोथेरेपी के लिए और व्हीलचेयर में ही आया था, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिकल है, लेकिन उनके जो दामाद जी थे और अम्मा जो थी, उनकी वाइफ थी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उनका। घर पे एक्सरसाइज कराना, जो होम मैनेजमेंट, होम प्रोग्राम्स जो हम यहाँ बना के देते हैं घर के लिए बाकायदा उन्होंने करवाया, और पेशेंट भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। शुरू में थोड़ी सी ब्रेन इंजरी के कारण तकलीफ होती है, चीज़ों को समझना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उनमें थी जो बहुत टिपिकल होती है उस पेशेंट के लिए, और ये सारी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़े। बीएम शाह अस्पताल में फिजियोथेरेपी को लेकर के किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस किस तरह के पेशेंट यहाँ पे ठीक हो सकते हैं? ये पहले इंटरव्यू में ये बोला जा चुका है, फिजियोथेरेपी ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी नहीं है। बीएम शाह की फिजियोथेरेपी जो है एक्चुअल में न्यूरो रिहेबिलिटेशन होता है। फिजियोथेरेपी में सारे डिपार्टमेंट्स कवर होते हैं, यहाँ पे ऑर्थो का डिपार्टमेंट कवर होता है जो डॉक्टर सूरज कौशल नंदा संभालते हैं, 6 से 10, 10:30 तक यहाँ की ओपीडी चलती है रात में। न्यूरो में सारी चीज़ें आती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आती है, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद जो लगवा होता है वो डिपार्टमेंट मेरा है, तो मैं 9 से 6 के बीच में ये सारी चीज़ें संभालता हूँ। स्ट्रोक होता है, रीढ़ का पक्षाघात, वहाँ लकवे की होती है, एक साइड का जो लगवा होता है वो होते हैं, और न्यूरो में बहुत सारी बहुत एक ब्रॉड होता है चीज़ें। उसके अलावा पीडिया भी है, पीडिया वार्ड भी है, पीडिया फिजियोथेरेपी भी होता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं जिनका लकवा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो गायनी का डिपार्टमेंट है, गायनी के डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी होता है। प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जीरियाट्रिक केसेस होते हैं, उम्र दराज लोगों में भी एक बीमारियाँ होती हैं, उनको भी ठीक करने की जिम्मेदारी होती है। सर, यहाँ की फिजियोथेरेपी, बीएम शाह की फिजियोथेरेपी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चित है, तो ऐसा क्या है यहाँ कि अगर किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ आए? बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर आप देखे होंगे, बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, बट बीएम शाह का कैसे अलग है इस क्षेत्र पे, यहाँ पर मतलब शहर पे, दुर्ग जिला पे, कि हमारा जो सेटअप है वो मल्टी रिहेबिलिटेशन सेटअप है। हम लोग मतलब डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स, जैसे ऑर्थो केसेस हो गए, न्यूरो केसेस हो गए, पीडियाट्रिक्स हो गए या गायनिक केसेस को डील करते हैं। इसके अलावा जैसे मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है हमारा, कि क्लोज मॉनिटरिंग, जैसे कि पेशेंट्स की कंप्लेंट्स को पूरी तरह से समझना, एक डीप ग्रॉसली एग्जामिनेशन करना और उसके हिसाब से पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ग्रॉसली ट्रीटमेंट नहीं, पेशेंट स्पेसिफिक होती है, कि हाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि बैक पेन का कई सारे कारण हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट जो होता है उस इंडिविजुअल के लिए प्रोटोकॉल डिज़ाइन होती है, इस तरह का ट्रीटमेंट। और एडवांस लेवल की मशीनें हैं, और जैसे हम देख रहे हैं मेरे पीछे ही कायरोपैड है, ड्रॉप टेबल जिसे कहते हैं, एडवांस लेवल की अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, लेजर्स है हमारे पास, तो डिफरेंट मोडालिटीज हम रखें। मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा रोल है, कि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग एंड क्लोज मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सर, एक बीमारी है लकवा जी, जिसे मतलब सुन करके आदमी के जहन में एक ऐसा आता है कि हे भगवान किसी को ना हो। जी, तो लकवा पेशेंट के लिए क्या उपलब्धियाँ यहाँ पर हैं? लकवा पेशेंट का एक्चुअली मेन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक जरूर एक संदेश देना चाहता हूँ। कई सारे उनका थॉट होता है कि लकवा मतलब एक किसी भी तरह का मतलब उसने कुछ गलत किया होगा, उस जैसे कई सारे थॉट्स होते हैं। रूरल एरियाज़ में अगर बात किया जाए तो इस तरह का कुछ नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में अभी उभर के आया है, कि किसी को भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। मेन क्या है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई सर एक सिंपल से तौर पे अगर बताऊँ तो लकवा मारने का कई सारे लोग केरोसिन ऑयल पिला देते हैं, इसका जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से इसके बारे में ना पता है, किसी भी तरह का इलाज ना करें, ठीक है। कई सारे लोग बैगा के पास जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, इस तरह का इलाज ना करें। इलाज जो है संभव है, पूरी तरह से संभव है, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि तुरंत अगर लकवा के पेशेंट ऐसा कुछ सिम्टम बताता है, जैसे वीकनेस है हाथों पे, वीकनेस या पैरों पे वीकनेस बता रहा है, या ठंडा गर्म बता रहा है, या सर पे भारी दर्द हो, तो उसे इमिडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल ले जाइए। सबसे पहले एक सीटी स्कैन या एमआरआई करवाइए, उसके बाद जो भी डायग्नोस होती है, अगर लकवा डायग्नोस होती है उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेडिसिन से आपका चलेगा नहीं, फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस कैसे, कि एक
पर्सन बेड ही देर से अगर चलाना है तो फिजियोथेरेपी नीडेड है, मतलब हम मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। सो वहाँ पर क्या है कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर कोई फिजियोथेरेपी चालू करते हैं और 2 से 3 महीने या 6 महीने तक हम देखते हैं, रिकवरी बहुत अच्छा होता है। हमारे पास कई सारे पेशेंट आते हैं जो 6-1 साल बाद आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मेन वहीं पर प्रॉब्लम आता है कि हाँ लकवा है, 1 साल के बाद आते हैं पेशेंट, बोलते ठीक नहीं होते फिजियोथेरेपी से। तो मेन कारण यही है क्योंकि लेट से आते हैं। अगर जागरूकता ज़्यादा हो और पेशेंट तुरंत इमिडिएटली अगर आता है 48 डिस्चार्ज होता है आईसीयू से, उसके बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेता है, तो 6 महीने के भीतर भीतर उसकी नियर बाय नॉर्मल और नॉर्मल की तरफ हम ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। बीएम शाह के इस विभाग में अपना उपचार करा रहे मरीज को भी काफी अच्छा अनुभव होता रहा है और वह भी मानते हैं कि बीएम शाह अस्पताल में लकवा एवं अन्य ऐसी बीमारियां जिसमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है उन सभी में बेहतर उपचार यहां उपलब्ध है। ऐसी ही एक महिला मरीज ने यहां के उपचार के बारे में न्यूज टीम को जानकारी दी। मेरे को यहां आते हुए 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे कुछ बैक पेन था। तो यहाँ के ट्रीटमेंट जो 10 दिन आप आई हैं, 11 दिन जो आई हैं, क्या लगता है कि आपके ट्रीटमेंट में फ़र्क है? हाँ, मेरे ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा फर्क आया है, बहुत सुधार लग रहा है। तो मतलब आप ये कह सकती हैं कि बीएम शाह में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये लोग कैसे डॉक्टर्स हैं? नहीं, अच्छे हैं और बिहेवियर भी सबका बहुत अच्छा है, जैसा बोलते हैं वैसा सुनते हैं वैसा ही करते हैं। तो यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। आज के समय में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और ऐसे में कई बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, तब इंसान को अपने उपचार की जरूरत पड़ती है और शहर और जिले का यह प्रतिष्ठित बीएम शाह अस्पताल इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।